मैंने सबसे पहले मैं हमारे साथ में हरियाणवी कलाकार जुड़ रहे हैं और कई दिन में मैं हरियाणवी भाषा में बात कर रहा हूँ आपसे और इससे पहले हिंदी में बात कराया करता। तो हरियाणवी संस्कृति ने और हरियाणवी संस्कृति ने वो बिल्कुल तरोताज़ा रखने वाले कलाकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनते पहले इनके पूर्वज थे उनके बारे में इनसे देखो आज ही प्रोग्राम में पहुँच रहे हैं अड़े पहुँच रहे हैं उरी कम राजस्थान में पहुँच रहे हैं। किस तरह का प्रोग्राम हुआ के साथ साथ में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं वीरपाल खड़िकिया जी भी जुड़ रहे हैं इसके साथ में इनके जितने भी कलाकार से सारे जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले राम राम जी सारा ने राम 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 हमारे सारे दर्शक जुड़ रहे हैं तो राम राम और सारे दर्शक भैया ने बहुत हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं रागनी प्रेमियों को हमारी तरफ से राम। आगे किस तरह की संस्कृति पेश करने वाले हो समाज का में किस तरह की बात बताने वाले हो अपने रागनी के माध्यम से। पहले सांग होते थे जी, सांगों के अंदर लड़कियों को ड्रेस पहनाई जाती थी वही उसी तरह आज ओरिजिनलिटी है। पहले लड़कियों को ड्रेस पहना के नचाते थे, आज हमारी ये मातृशक्ति है ये ओरिजिनल कार्य कर रही हैं। सांग की टाइप तो हम धार्मिक रागनी गाते हैं, सांगी रागनी गाते हैं और ये नृत्य कर देती हैं। इससे संस्कृति आगे बढ़ेगी हरियाणा के अंदर। एक बात यह है कि हम काफी बार देखे हैं जी खड़किया साहब की संस्कृति जो अपनी है ना स्टेज की जो संस्कृति रही है हरियाणवी और काफ़ी सारी ऐसी नृत्यांगना आई है जो बिल्कुल अभद्र तरह तय जो डांस कर रहे हैं कुछ अलग अलग कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे। एक बात आई थी जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, वो जितने दिन हरियाणवी संस्कृति को खराब करने के लिए आई थी उतनी दिनों में बहुत जल्दी वे चली गई। जी जी, हाँ उनका सफाया हो चुका है। जी जी, तो समाज का इस तरह का मैसेज अगर जाता है ना नगनता का अभद्रता का जो समाज का मजा वो ज्यादा दिन टटने वो कहेगा ना थूक के पकौड़े थोड़े दिन रहा करें पानी में वो बोलो टैंगर फूट जाए वो चीज होया करो। परमात्मा कलाकार को चढ़ाता भी कलाकार को परमात्मा गिराता भी है। जी जी, जिसने अच्छा किया उसको चढ़ाएगा और जिसने बुरा किया उसको गिर देगा। कुछ तो भगवान ने प्यारी होगी कुछ घर बैठगी कैया गिरांद कटगी जो बस रही हैं ठीक ठाक बस रही हैं। मैं मेरी टीम में इनको बड़े सात्विक तरीके से रखता हूँ और ये मेरा कहना मानती है अच्छा कार्यक्रम करती है। एक चलन चल रहा है आजकल वो यूट्यूब पर ना खड़े होकर बनाने लग गए हैं और एक और चल रहे टिकटॉक तो बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, इसके अलावा और भी सारे ऐप चल रहे हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे आएंगे सेल्फी लेंगे इधर उधर करेंगे तो वो भी एक तरह है अभद्रता फुला रहे हैं हमारी हरियाणवी संस्कृति के साथ साथ में भारत की संस्कृति ने भी खत्म कर रहे हैं वो। उनके बारे में क्या कहना चाहोगे दो लफ्ज बताएं। देखो उनके बारे में क्यों हमारे मुख से कहो हाँ। जनता जानती है मेरी टीम के ये रामेर शर्मा जी जी सौरभ शर्मा जी और ब्रांड गायिका रेखा लांबा जी जी ये बड़ी ऐतिहासिक बातें गाती है देशी तरज गाती हैं। तो जिन्हें जल्दी थी मैं बार बार ये कह रहा हूँ चले गए, लंबा वो ही चलेगा जो सात्विक होगा जो जनता की डिमांड अच्छी तरीके से सात्विक पने से समाज को ज्ञान देने के लिए समाज के अंदर संस्कृति दिखाने के लिए जो गाएगा लंबा वो ही चलेगा। जी एक बात और बताओगे जैसे कि आप अभी उस संस्कृति जो आज आधुनिक संस्कृति आई थी जैसे बालक लेके आए थे नए छोरी भी लेके आए थे वो चले भी गए कुछ बच भी रहे वो भी चले जाएंगे ऐसा चाहिए बुराई कितना दिन रुकेगी थोड़ा दिन रुकेगी उसके बाद खत्म हो गए। लेकिन आप और आपकी टीम के माध्यम से ऐसे क्या कुछ आप संस्कृति के माध्यम से पेश करने वाले हो आने वाला समय का मैं और जैसे कि अभी कोविड का खत्म हुआ है हो सका तीस लहर पे जाए लेकिन फिर भी लोगों का मैं जागृत रखने के लिए क्या कुछ करने वाला हो। जो ये किस्से होते हैं जी ये सदाबहार चीज होती है जी, जो कथा की रागनी होती है इनको आदमी हमारे श्रोता हमारे जो बड़े फैन हैं वो शुरू से सुनते आ रहे हैं और बेचारे बूढ़े हो लिए हमारा आगे बूढ़े हो लिए वे इन रागनियों को सुनते रहते हैं। ये कभी न तो घटेंगी न घटी है जी, जो पुरानी संस्कृति है सदा जिंदा रहेगी और जिंदा रहती आई है। और जो ये आपने जो पूछा भाई नए नए लड़के कुछ कुछ लेके आए हैं इनकी म्याद मात्र 3 साल की होती है। आप किसी भी कलाकार को देख ले हम तो ये कहते हैं भगवान उनकी लंबी उम्र करें पर म्याद 3 साल की होती है। 3 साल के बाद कलाकार मार्केट से आउट हो जाता है। जो रागनियों का कलाकार है वो शुरू से 1991 से गाने लगे आज 2021 लग गया जी। और मेरी सोच है परमात्मा की दया से जनता के आशीर्वाद से 2040 तक मैं गाऊंगा 2040 तक।
2040 तक आप गाना जी, बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से आपके जैसे और भी बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे आपने वो कह रहे ना कि पौधे छोटे छोटे लगाए होंगे, आज भी बड़े हो गए होंगे, कितने होंगे जी ऐसे पौधे? देखिए मैं बार बार फिर आपसे यही कह रहा हूँ, जिसको लंबा चलना होगा उसको स्टेज पे आना होगा, और स्टेज पे आके जनता के लिए एक अलग संस्कृति दिखानी होगी जो जनता को भाए, बच्चों के अंदर एक अच्छी बातें जाए, समाज के अंदर एक ज्ञान जाए, यही मेरी उनसे भी विशेष प्रार्थना है। जी जी, अभी मैं आपकी बात कर रहा था, वीरपाल खड़के आते हैं और साथ में जुड़ रहे हैं हमारे साथ राममेहर जी। राममेहर जी, आपके कुछ कहना चाहोगे? जो इन्हें कह दिया ना वही कबूल है, वही कबूल है। बाकी रेखा मैम है, रेखा लंबा मैम, मैम क्या कहना चाहोगी? मेरी तरफ तो सारा दस्तान राम राम। मेरी तरफ तो बस यही बात है कि मैं तो कलाकारी के माध्यम पे एक ही बात बताऊंगी, स्टेज पे जितने भी कलाकार हैं बिल्कुल देसी तरीका था हरियाणवी संस्कृति ने बढ़ावे, जो बद्दापन उसने दूर करें, दूर करें। आप क्या कहना चाहोगे साहब? मैं तो जी मेरे गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और हरियाणवी संस्कृति को, सिर्फ हरियाणा को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि हम युवा पीढ़ी जो है वो हरियाणवी रागनियों को समझे, दादा लक्ष्मी चंद का जो ब्रह्म ज्ञान था उसको पढ़े जी, और अपने गुरु के चरणों को प्रणाम करके हरियाणवी संस्कृति को सम्मान दिलाए, सम्मान दिलाए। साथ में मैं एक बात बताना चाहूँगा, हम जिस धरती पर खड़े हैं ये राजस्थान की भूमि खड़ी भूमि है, तो हमारे साथ साथ हरियाणा के साथ साथ में पूरे भारत की, पूरे भारत इस चीज़ को देखे, ध्यान देवे और अपने अपने जगह की संस्कृति ने जरूर उठावे, पीछे का इतिहास, पीछे की जो बातें हैं, पुरानी कहानियां हैं, वो अपने बालका ने जरूर बताओ है। और सारी की सारी टीम ने खड़किया साहब जी, साहब एक सच्चाई है जी। और बिल्कुल आज दिल की गहराइयों से सच्चाई बता रहा हूँ जी, बताइए। जो खड़किया फैमिली को राजस्थान में प्यार मिला जी, जितने प्रोग्राम हमारे राजस्थान में भी इतने हमारे हरियाणा में नहीं, हरियाणा में नहीं होते। हाँ जी, प्रोग्राम तो खूब छिकमा किए हरियाणा में भी, लेकिन जो राजस्थान में प्यार मिला, जो सम्मान मिला, हम उससे बिल्कुल गदगद हैं जी। और आज उरीका गांव के अंदर हम आए, पशु चिकित्सालय का उद्घाटन किया गया, बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा हमारा। धन्यवाद करते हैं सभी रागनी प्रेमियों को, राम राम। और फिर विशेष एक हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, आप रागनियों को सुने, चिचड़ोली से भी हमारे दर्शक आए हैं जी, और अनेकों गाँवों से हमारे दर्शक आते हैं, वो सुनते हैं रागनियाँ, सभी को बार बार। चैनल को इसको भी सत सत नमन करते हैं जी। और जी मैं आपकी टीम ने भी, और मैं ये चाहूँगा राजस्थान के साथ साथ में पूरा भारत ही आपने प्यार देवे, आपने बुलावर आपके प्रोग्राम भी करें, इसके साथ में आपकी पूरी टीम ने मैं आने वाली जो तीज है, जो हरियाणवी त्यौहार है, उसकी शुभकामनाएं देना चाहूँगा मैं चैनल की तरफ से, और 15 अगस्त की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा जी। और आप भी अगर कुछ कहना चाहो, हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं 15 अगस्त और हरियाणवी सुनाई को नहीं जी, मैं कहूँ थवा रागनी गा दे, मैं दो लाइन तो सुनानी पड़ेंगे। चोगर देख बाग हरिया घन घोर घटा समण की, छोरी गाँव गीत सुरीले झूल गली कमण की। सभी को तीजों की हमारी तरफ से हार्दिक बधाई है, हार्दिक शुभकामनाएं हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, उसमें हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से हार्दिक बधाई है और धन्यवाद करते हैं आप जैसे युवाओं का, आप जैसे टीवी चैनलों का, जो इस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए आपका भी बहुत योगदान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत जी। आपका अभी मैं आपसे बात कर रहा था, वीरपाल खड़किया एंड उनकी टीम तय, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों ने भी मेरा पवन कुमार राठौड़ का राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।